हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी DIY फ्लावर वास। और उसी के साथ आज हम बातें भी करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि ये DIY के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ये रेक्टेंगुलर शेप का एक बॉक्स। इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने इसे 2 कर दिए। और फिर हम लेंगे ये डेकोरेटिव डायमंड लेस, ये आपको इजीली पाउंड लाइन या होम बार्गेन में मिल जाएगी। फिर हम लेंगे ये फ्लावर शेप के छोटे छोटे डायमंड्स, वो भी डेकोरेटिव लेस ही है एक तरह की। और लेंगे सेल्फ एडहेसिव पेपर, ये भी आपको होम बार्गेन या पाउंड लाइन में इजीली मिल जाएंगे। फिर हमें चाहिए सीजर, हॉट ग्लू गन, स्केल एंड पेंसिल। तो ये जो बॉक्स है इसे हम पेपर से मेजर कर लेंगे, और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा है हाइट में अभी भी, तो इसे मैं थोड़ा सा कट कर लूँगी 1 या 2 इंच ऊपर से। अब इसकी हाइट बिल्कुल सही है, तो अब ये पेपर से हम उसका मेजरमेंट लेकर उसे कट कर लेंगे। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी सब्सक्राइबर्स को आपके सपोर्ट और लव के लिए, और सारे यूट्यूबर्स जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे अक्सर ये कमेंट्स आते हैं कि आप ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाते हो। तो ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाने का रीज़न ये है कि मेरा जो बेटा है अभी वो काफ़ी छोटा है, और मैं कोई भी चीज़ उसके टाइम कट करके नहीं करना चाहती। इसीलिए मैं जो भी व्लॉग बनाती हूँ वो का तो वो सोया होता है तब बनाती हूँ, या तो फिर वो नर्सरी गया होता है तब मैं करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही है। और एक और भी प्रॉब्लम हो गई थी कि जिस कैमरा से मैं शूट कर रही थी वो कैमरा लेंस ऐसा ब्लर होने लगा था, तो उसको मुझे बनवाना है अभी। लास्ट वीक तो हम शादी में काफ़ी बिजी थे तो वो नहीं कर पाई। तो फिर मैंने दूसरे कैमरे से शूट किया जिसमें मेमोरी कार्ड था, तो मैंने 1-2 वीडियो बना कर रखी थी, और मैंने सोचा चलो सवेरे एडिट कर लूँगी। और जब मैंने सवेरे चेक किया तो मेमोरी कार्ड एम्प्टी था, लाइक ओ शिट क्या हो गया ये। तो वो मेमोरी कार्ड रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग गया, और जब मैंने रिकवर करा तो सारा डेटा रिकवर नहीं हुआ। तो अब मैं वेट कर रही हूँ कि संडे आए, और संडे को मैं मेरे हस्बैंड के साथ जाकर जिससे मैं शूट करती हूँ मेरे मोबाइल का कैमरा लेंस मैं ठीक करवा लूँ, और फिर इंशाल्लाह मैं ज़्यादा व्लॉग दूँगी। एजेस ट्रिम कर लेंगे। और एक और बात, आप जितना पेपर स्टिक कर रहे हो बस उतना ही पेपर को पील कीजिए, ज़्यादा पील मत कीजिए, नहीं तो फिर वो पेपर पेपर में स्टिक हो जाता है या कहीं पे भी स्टिक हो जाता है, और फिर वो बड़ी दिक्कत हो जाती है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अब ये डायमंड लेस जो है उसे हम पतली पतली स्ट्रिप्स में काट लेंगे, 1-1 डायमंड्स को लेके। मैंने दूसरे भी डिज़ाइन सारी ट्राई कर देख ली, लेकिन इतना ख़ास नहीं लग रहा था तो मुझे ये डिज़ाइन अच्छी लगी। आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप यही DIY को दूसरी डिज़ाइन से बना रहे हो तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट या फेसबुक अकाउंट पे ज़रूर पोस्ट कीजिए, और मुझे बताइए आपके आइडियाज़। तो ये जो पतली स्ट्रिप्स किए हमने वो मैं एजिस पे लगा दूँगी वास के चारों ओर, और फिर इसे हॉट ग्लू गन या फेविकोल से स्टिक कर देंगे। Thank you.
तो ये है फ्लावर्स डायमंड लेस और इसे मैं स्टिक कर दूंगी ग्लू गन से। तो मैंने इसे हर एंगल में रख कर देखा लेकिन कोई मुझे खास लग नहीं रहा था, सिर्फ यही लगा तो मैं इसी तरह से रखूँगी। आप चाहे इसे कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, ये तो अपने अपने माइंड की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी क्रिएटिविटी कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है, तो प्लीज़ आपकी क्रिएटिविटी मुझे बताइए, मैं सबको बताऊँगी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पोस्ट कर। ऐसी डायमंड लेस है तो इसमें से मैं एक एक डायमंड कट कर इसे ऐसे अलग अलग जगह पे स्टिक कर दूंगी। तो ये हमारा फाइनल पीस रेडी है। तो देखो ये कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा है, कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये मैंने कार्डबोर्ड पेपर से बनाया है। आप तो वही बॉक्स के आधे पीस से ये मैंने दूसरा भी बनाया है फ्लावर वास, और जिसमें मैंने अंदर प्लास्टिक का पॉट रखा है और ये फ्रेश ट्री है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।